हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। जो समसमाय की घटना चक्र में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश परिदृश्य, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत दो कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता, लंबाई है 23,785 किलोमीटर, और कृषि विश्वविद्यालय से वर्रा तक इसकी लंबाई है 8,60 किलोमीटर निर्मित किए जाएंगे। इस परियोजना में IIT कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर फर्स्ट के अंतर्गत IIT कानपुर से मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन चयनित किया गया है। इस सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर होगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य 30 नवंबर 2021 तक पूरा होना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव। 4 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर रेरा पर केंद्रित रिपोर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज बाय रेराज तथा इम्पोर्टेंट जजमेंट रिलेटेड टू रेरा एवं पुस्तक द रियल इस्टेट एक्ट 2016 का विमोचन किया है। भारत में भू संपदा से संबंधित होम बायर्स की समस्याओं के समाधान हेतु भू संपदा अधिनियम 2016 को प्रख्यापित किया गया है। इस अधिनियम की कुछ धाराएं 1 मई 2016 से तथा शेष धाराएं 1 मई 2017 से लागू हैं। बात करते हैं एकीकृत आपात सेवा 112। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने एकीकृत आपात सेवा 112 का शुभारंभ किया है। एकीकृत आपात सेवा 112 के अंतर्गत 102, 108, 1090, 181 और 1076 आदि नंबरों से संचालित सेवाओं को एकीकृत किया गया है। प्रदेश में डायल 100 सेवा को एकीकृत आपात सेवा 112 से बदला जा रहा है। कुछ समय तक डायल 100 संचालित होती रहेगी। उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर 2019 को ही मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा का भी शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं अगली खबर है दीपोत्सव 2019। 26 अक्टूबर 2019 को दीपोत्सव 2019 के अवसर पर अयोध्या में 6,11,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दीपोत्सव 2019 के अवसर पर राम की पेड़ी पर 4,10,000 दीप तथा अयोध्या के विभिन्न मंदिरों व अन्य स्थानों पर 2,01,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। दीपोत्सव 2019 के कार्यक्रम में सरयू के 12 घंटों पर विभिन्न महाविद्यालय विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं स्वयं सेवकों ने दीप जलाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म से लेकर स्नातक प्रवेश तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। ठीक है, बात करते हैं द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 का शुभारंभ। 21 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाठशाला के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। इस पाठशाला में 2 सत्रों यथा प्रथम सत्र 21 से 24 अक्टूबर 2019 के मध्य
और दूसरा सत्र 4 से 7 नवंबर 2019 के मध्य आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का भी शुभारंभ किया है। बात करते हैं अगली खबर है, बाल प्रगति सूचकांक 2019। 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा नई दिल्ली में बाल प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। वर्तमान सूचकांक में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया है। बाल प्रगति सूचकांक की गणना उसके 3 आयामों, मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, फिर फाउंडेशन ऑफ वेलबींग तथा अवसर के स्कोर के औसत के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश के जिलों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उच्च, फिर उच्च मध्य, निम्न मध्य और निम्न बाल प्रगति। ठीक है, गौतम बौद्ध नगर राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है, जबकि बलरामपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। प्रयागराज 14वां स्थान है, उच्च बाल प्रगति वाले जिलों में शामिल है। उच्च बाल प्रगति वाले शीर्ष 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर इसे मिला है 69.10 स्कोर, फिर दूसरे पर गाजियाबाद, तीसरे पर बागपत, चौथे पर मेरठ, 5वें नंबर पर वाराणसी। निम्न बाल प्रगति वाले 5 जिलों की बात करें तो बलरामपुर, फिर उसके बाद बहराइच, बलरामपुर 71वें नंबर पर है, बहराइच 70वें नंबर पर, 69वें नंबर पर श्रावस्ती, 68वें नंबर पर सीतापुर और 67वें बदायूं। ठीक है, बात करते हैं स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप। 14 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के कुल 101 शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषण शहरों के रूप में चिन्हित किया है। इसमें 15 है, आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली, वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चिन्हित इन 15 प्रदूषित शहरों की वायु गुणवत्ता की जांच के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी कमेटी गठित की गई है। अगली खबर है बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास। 18 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा गोरखपुर में बनने वाले बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया है। 1200 करोड़ रुपए की लागत वाला यह बायोफ्यूल प्लांट धुरियापार चीनी मिल प्रांगण गोरखपुर में निर्मित किया जा रहा है। दो चरणों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ की लागत से कॉम्पोस्ट बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बायो संयंत्र में भूसा, मवेशियों का गोबर, गन्ने का अपशिष्ट आदि से ईंधन निर्मित किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन। 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। 204 करोड़ रुपए की लागत से 38 एकड़ क्षेत्र में निर्मित इस बॉटलिंग प्लांट की क्षमता 120,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस प्लांट के माध्यम से प्रदेश के 11 जिलों नामता गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती को LPG की आपूर्ति की जाएगी। आगे बात करते हैं धान की क्रय नीति। 10 सितंबर 2019 को प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में
कॉमन श्रेणी के धान हेतु 1815 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड धान के लिए 1835 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश के लिए 50 लाख मैट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय पोषण माह। 1 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2019 तक संचालित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष पोषण माह के लिए 5 थीमों जीवन के प्रथम 1000 दिन, ऊपरी पूरक आहार, एनीमिया की रोकथाम, दस्त प्रबंधन, साफ सफाई, स्वच्छता का निर्धारण किया गया है। पोषण माह के तहत प्रथम सप्ताह को पुरुष भागीदारी सप्ताह, द्वितीय सप्ताह को किशोरी सप्ताह, तृतीय सप्ताह को बाल सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह को माता सप्ताह के रूप में मनाया गया है। बात करते हैं वृक्षारोपण महाकुंभ। 9 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसके तहत संपूर्ण देश में 22 करोड़ पौधे पौधारोपण कार्यक्रम लखनऊ के जैतीखेड़ा से शुरुआत की गई थी। इसकी एक दिन में प्रदेश भर में 22,59,80,116 पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। जनपद प्रयागराज में एक निश्चित समय में एक ही स्थान पर 76,823 निःशुल्क पौधे वितरण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। वर्ष 2022 तक प्रदेश में वनाच्छादन को 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। 6 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल ने रिहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड में लगाए जाएंगे, जो देश में अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव तथा 50 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स सापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा स्थापित किया जाएंगे। अब बात करते हैं बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र के बारे में। 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी है। 1320 मेगावाट के ये दोनों संयंत्र क्रमशः बक्सर बिहार और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। दोनों परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जिसमें प्रत्येक में 2 यूनिट्स 660 मेगावाट क्षमता की हैं। खुर्जा संयंत्र बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तथा बक्सर संयंत्र से बिहार और पूर्वी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में। 6 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का परिणाम जारी किया है। राष्ट्रीय रैंकिंग में 2019 में गाजियाबाद ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग में 13वां स्थान मिला हुआ है। याद रखना, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है गाजियाबाद। राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में सर्वाधिक गतिशील शहर हेतु मथुरा वृंदावन को पुरस्कृत किया गया है। 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं हेतु सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में झांसी नगर निगम को पुरस्कृत किया गया है। और समग्र रूप से याद रखना, इंदौर पहले नंबर पर है, ठीक है। इसमें बात करते हैं कुंभ 2019 के बारे में। 5 मार्च 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेला का समापन हुआ है। 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक संपन्न भव्य एवं दिव्य कुंभ में 24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार कुंभ का एक नया लोगो दिया गया है।
450 वर्षों से बंद अक्षयवट और सरस्वती कूप को दर्शन के लिए खोला गया है। 70 देशों के राजदूत, 3200 से अधिक आप्रवासी भारतीय कुंभ में आए। 3 मार्च 2019 को प्रयागराज कुंभ मेला में 2019 को तीन क्षेत्रों, सबसे बड़ी यातायात भीड़ प्रबंधन योजना और प्रिंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थल पर सबसे बड़ी पेंटिंग तथा सबसे बड़े स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगली खबर है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे T18 भी बोला जाता है, को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इससे पूर्व 27 जनवरी 2019 को रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्वदेश निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन रहे ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखे जाने की घोषणा की गई। यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। इस ट्रेन की अधिकतम प्रचालन गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि यह 180 किलोमीटर घंटा की गति भी प्राप्त कर चुकी है। ट्रेन 18 भारत की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। विश्व स्तरीय सुविधा से युक्त इस ट्रेन सेट का निर्माण 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। अक्टूबर 2019 से नई दिल्ली कटरा जम्मू कश्मीर के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 7 फरवरी 2019 को प्रदेश की वर्तमान सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया है। वर्ष 2019-20 के लिए कुल 4,79,701.10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2019-20 हेतु विस्तृत बजट का आकार 4,69,701.10 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष की के अनुमान बजट अनुमान की तुलना में 11.97% तथा संशोधित अनुमान की तुलना में 6.7% अधिक है। याद रखिए, कुल व्यय में 3,63,957.04 करोड़ रुपए राजस्व लेखिका व्यय तथा 1,15,744.06 करोड़ रुपए पूंजी लेखिका व्यय शामिल है। बजट में 21,212.95 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई है। इसमें बजट 2019-20 में कुल प्राप्तियां 4,70,684.48 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि विगत वर्ष की बजट में 4,20,899.46 करोड़ रुपए अनुमानित थी। कुल प्राप्तियों में 3,91,734.40 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 78,950.08 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 46,910.62 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 2.97% है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग गंगा एक्सप्रेस पे। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज कुंभ में संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह एक्सप्रेस वे राज्य के पश्चिमी जिलों को प्रयागराज इलाहाबाद से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 600 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर और अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 36,000 करोड़ रुपए। बात कर लेते हैं 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया।
इस कार्यक्रम के आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से किया गया। 22 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद कुमार जगन्नाथ ने प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय रहा है, थीम रही है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी विशेष अतिथि तथा न्यूजीलैंड के सांसद कंबलजीत सिंह बख्शी युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर विशिष्ट अतिथि थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। 11 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का कार्यान्वयन नई हेतु नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, रेणुका जी काजी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत गिरी नदी पर 148 मीटर रॉक फील्ड बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 498 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण की क्षमता होगी। परियोजना से पीको फ्लो के दौरान 400 मेगावाट विद्युत भी उत्पादित होगी। इस बांध के संग्रहित जल का उपयोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली द्वारा हथनी कुंड बैराज से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान द्वारा ओखला बैराज से तथा दिल्ली द्वारा वजीराबाद बैराज से किया जाएगा। परियोजना का निष्पादन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं विचारे कुंभ 2019 के बारे में। उत्तर प्रदेश कुंभ मेला 2019 के संदर्भ में प्रदेश में 5 स्थानों पर विचार कुंभ का आयोजन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में 1 से 2 दिसंबर 2018 के मध्य वाराणसी में पर्यावरण कुंभ, 8 से 9 दिसंबर 2019 2018 के मध्य वृंदावन में नारी शक्ति कुंभ और 15 से 16 दिसंबर 2018 के मध्य अयोध्या में समरसता कुंभ और 22 से 23 दिसंबर 2018 के मध्य लखनऊ में युवा कुंभ का आयोजन किया गया। 30 जनवरी 2019 को प्रयागराज में सर्वसमावेशी संस्कृति कुंभ और 5 जनवरी से 15 मार्च 2019 के तक नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया। संस्कृति कुंभ का आयोजन पूर्ण कुंभ कार्यक्रम के दौरान किया गया। समरसता कुंभ हेतु ज्ञान भागीदार और आयोजक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय रहा, जबकि युवा कुंभ का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित। 12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे बंगाल के हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग संचालित किया जाएगा। कंटेनर वेसल चलने से अब पूर्वी भारत भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ जाएगा। वाराणसी से हल्दिया के बीच 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर यह सुविधा विकसित हो रही है, जिससे पूर्व भारत का बड़ा फायदा होगा। पूर्वी भारत को समान ढुलाई के अलावा यह पूर्वी भारत के राज्यों को एशियाई देशों से भी जोड़ेगा, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सूक्ष्म दृष्टि कुछ इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनकी जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य 11वां द्विवार्षिक डिफरेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ होगा, किया जाएगा लखनऊ में। ठीक, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। ठीक, यह कोष जिसकी स्थापना और कार्यान्वयन हेतु 22 अक्टूबर 2019 को राज्य मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश मत्स्य नियमावली 2019 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मत्स्य पालक
कल्याण कोष। 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा IRCTC द्वारा संचालित देश की प्रथम कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है, याद रखना लखनऊ से। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2019 का उद्घाटन किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। 28 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में पासपोर्ट निर्गमन हेतु पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए एक उद्देश्य आरंभ ऐप है एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप, ठीक है। 20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया है, तो याद रखना आपको लखनऊ लखनऊ में। 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन किया है चित्रकूट में। 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग निवारण कार्यक्रम देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ किया है मथुरा में। 29 अगस्त 2019 को एमएसएमई सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। 23 अगस्त 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने फसाई FASSAI की राष्ट्रीय खाद प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है गाजियाबाद में। 16 अगस्त 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर की गई घोषणा के तहत लखनऊ का हजरतगंज चौराहा अब इस नाम से जाना जाएगा अटल चौक। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तथा फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2019 का आयोजन किया गया 10 से 11 अगस्त 2019 के मध्य। 6 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना। 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्व शक्ति का ट्वेल रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया है वाराणसी में। 21 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लॉन्च किशोरी बालिकाओं के लिए प्रदेश में अपनी तरह की पहली योजना है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स SAG। उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया दैनिक जागरण आई नेक्स्ट और रेडियो सिटी द्वारा। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश में है। चलो स्कूल चले चलो अभियान से जोड़ा गया है पोषण अभियान को। 31 अगस्त 2019 को इंसेफ्लाइटिस मुक्त उत्तर प्रदेश गोष्ठी आयोजित की गई है सिद्धार्थ नगर में। प्रेरणा ए मानव संपदा पोर्टल संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है आनंदी बेन पटेल ने। मुंबई में आयोजित मैसेज इंडिया 2019 का खिताब प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की PCS ऑफिसर है ऋतु सुहास। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 में जिन 7 देशों के कलाकारों ने रामलीला प्रस्तुत की उनमें थाईलैंड श्रीलंका बांग्लादेश मॉरिशस कंबोडिया फिजी तथा त्रिनिदाद और टोबेगो, ठीक। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया 1760 रुपये प्रति क्विंटल। अगला वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित भिंडी की नई प्रजाति है काशी ललिता ललिस। उत्तर प्रदेश में नए वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश की पहली महिला हैं पूनम यादव। 25 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लोकार्पण किया गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा इक्वालाइन मेट्रो रेल परियोजना का।
जून 2019 में IOCL, BPCL तथा BHPCL के मध्य स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से कांडला गुजरात से उत्तर प्रदेश के शहर तक 2757 किलोमीटर लंबी LPG पाइपलाइन के निर्माण का निर्माण किया जाएगा गोरखपुर तक। आगे बात करते हैं, प्रदेश में 100 वर्ष से ऊपर की के सभी व्यक्तियों की गणना कर उन्हें मान्यता दी जाएगी हेरिटेज वृक्ष की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्माइल मशाल ज्योति आशीर्वाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है 14 जुलाई 2019 को। स्माइल मशाल ज्योति ट्रेन उत्तर प्रदेश के इस शहर से प्रारंभ होकर पूरे देश की यात्रा कर रही है वाराणसी से। 4 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में प्रारंभ हुआ है हेल्पलाइन, जिसके माध्यम से प्रदेश की जनता को 24 घंटे और सातों दिनों कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कराने के साथ ही उनके निस्तारण की जानकारी भी प्राप्त कर सकती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076। 1 से 7 जुलाई 2019 के मध्य उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2019 का अभियान को जिस रूप में वर्णित किया गया है वृक्षारोपण योग। 11 जून 2019 को मंत्रिपरिषद द्वारा 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी। 28 मई 2019 को मंत्रिपरिषद ने इस जनपद में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है गौतम बुद्ध नगर जेवर के निकट में। 18 जून 2019 को मंत्रिपरिषद ने इस जनपद में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है गोरखपुर में। वह तिथि जब उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एक एकल विशेष प्रयोजन साधन गठित करने का निर्णय लिया गया 4 जून 2019 को। 5 से 7 अप्रैल 2019 के मध्य राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्थान लखनऊ में 8 मार्च 2019 को वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य आगरा में आयोजित ताज महोत्सव 2019 का विषय था परंपरा। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है गोरखपुर में। 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य 13वीं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में। 11 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अक्षय पात्र मिड डे मील की 300 करोड़ भी थाली परोसी गई है मथुरा में। 9 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने HP के डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत डिजिटल समावेश और शिक्षण प्रयोगशाला युक्त वर्ल्ड ऑन व्हील्स मोबाइल लैब को रवाना किया है वाराणसी से। ठीक है, आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर प्रदेश में वर्ल्ड फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया गया है। 2 फरवरी 2019 को 103वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदेश में सरकारी सेवाओं में सभी श्रेणियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी किया गया है 14 जनवरी 2019 से। फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल भूमि के लिए वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2019 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है कानपुर में। अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान ढूंढने हेतु 8 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 3 समिति जिसमें श्री श्री रविशंकर श्री राम पंचू शामिल थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? सेवानिवृत्त
न्यायाधीश एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ला 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। फरवरी 2019 में यूपी गौसेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हेमा मालिनी। 6 मार्च 2019 को लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा निर्भया योजना के तहत प्रारंभ की गई बस सेवा है पिंक बस सेवा। 3 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाएगा को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो याद रखना कोरबा अमेठी में। 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों तथा नाई कुम्हार वड़ई आदि को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वह है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े उत्पादकों हस्तशिल्पियों बुनकरों निर्यातकों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है वह है एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां मार्च 2019 में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी गई है गाजियाबाद। कृषि निवेश पर देय अनुदान को DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा लखनऊ में। पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो नीति बनाई गई है वह है उत्तर प्रदेश वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019। अगला है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की घोषणा की गई है 24 जुलाई 2019 को। ठीक है, अटल सुशासन पीठ की स्थापना की जाएगी लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत बेसहारा गोवंश के भरण पोषण के लिए किसानों को बैंक खाते में प्रति गोवंश इस दर से धनराशि प्रदान की जाएगी 30 रुपए प्रति दिन की दर से। 16 नवंबर 2018 को जोड़ों का दर्द गठिया जैसी समस्याओं से ग्रसित हाथियों के लिए भारत के पहले विशेषज्ञ हाइड्रोथेरेपी चिकित्सा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया चुरमुरा गांव मथुरा में। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। दिसंबर 2018 में पूरे देश में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत राज्य है उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2018 में भारतीय समाज विज्ञान अकादमी प्रयागराज के सहयोग से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया 42वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस का। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है गाजीपुर में। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया यह केंद्र स्थापित है वाराणसी में। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से में शुभारंभ किया गया है संपन्न योजना का। संपन्न योजना के संदर्भ में संपन्न का पूर्ण रूप है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। अगला है कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित किया जाएगा फरुखाबाद में। प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय गोवंश की गाय के दूध की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है नंद बाबा पुरस्कार से। आगे बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISO 9001:15/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला जनपद बना है इटावा। अगला है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का पहला मंडल जिसके सभी जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए सहारनपुर मंडल।
मथुरा के वे 5 स्थल जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, गोवर्धन, राधा कुंड, नंदगांव, गोकुल और बलदेव। अगला है, राज्य सरकार द्वारा लाई गई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क नीति। पार्क नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में प्रदेश के पहले रेल पार्क की स्थापना की जा रही है फतेहपुर में। सिंचाई के साधनों में पंजाब तथा हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश एवं विश्व के सबसे बड़े इस टीका अभियान का शुभारंभ किया गया, मिजिल्स रुबेला MR टीकाकरण अभियान। 11 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को अनुमोदित किया गया है। राज्य चिकित्सा विद्यालय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश 29 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार और आइकिया इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित समझौता पत्र के अनुसार आइकिया द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की निवेश से इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल परियोजना स्थापित की जाएगी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। 24 नवंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर प्रदेश के जिन 2 शहरों को विश्वविद्यालय शहर श्रेणी में ग्लोबल सस्टेनेबल सिटी 2025 पहल के तहत प्रतिस्पर्धा हेतु चुना चुने गए हैं, वह है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नवंबर 2018 में एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। सामान्य योजना, सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना, नवंबर 2018 में रानी को स्मारक का शिलान्यास किया है अयोध्या में। 5 नवंबर 2018 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में टीबी के उन्मूलन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुभारंभ किया गया है जीत प्रोजेक्ट का। किसका? जीत प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स, जो समसामयिक की घटना चक्र वार्षिक का अंक में स्पेशल टॉपिक दिया गया था, ठीक है।